10 साल पहले अक्षय कुमार का तगड़ा डायमकर ब्लॉकबस्टर कॉमेडी और सुपरहिट जोड़ी अक्षय कुमार ने यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, लेकिन 10 साल पहले उनकी एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। इस फिल्म में कैटरीना के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि लगभग हर फिल्म मेकर दोनों को साथ लेना चाह रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले आज के दिन रिलीज हुई अक्षय कैटरीना की फिल्म सिंघिज किंग की। इस फिल्म में अक्षय कुमार का कॉमेडी अंदाज में नजर आए थे, वहीं फिल्म में कैटरीना के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। हालांकि इस जोड़ी ने पहले से ही धूम मचानी शुरू कर दी थी। इससे पहले दोनों नमस्ते लंदन और वेलकम में नजर आ चुके थे। वहीं सिंघिज किंग दोनों के लिए काफी लकी साबित हुई। इसके बाद न सिर्फ दोनों का स्टारडम बढ़ा बल्कि जोड़ी भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जोड़ी बन गई। फिल्म में अक्षय की कॉमेडी ने ऑडियंस को खूब हंसाया और उनके रोमांस ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज सिंघिज किंग के 9 साल पूरे होने पर हम आपको इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। डालिए एक नज़र। 99 करोड़ से ज्यादा की कमाई अक्षय और कैटरीना की इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 99 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। मिरेकल का रीमेक। ये फिल्म जैकी चन की फिल्म मिरेकल का रीमेक है। सुनील शेट्टी हुए थे साइन। शायद आपको ये बात पता ना हो कि इस फिल्म में पहले सुनील शेट्टी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में किसी कारण सुनील ने ये फिल्म छोड़ दी और सोनू सूद को साइन किया गया। कई रिकॉर्ड्स तोड़े। फिल्म किसी हॉलीडे पर रिलीज नहीं की गई थी, बावजूद इसके इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। पहले ही सप्ताह में इसने 40 करोड़ का कलेक्शन किया था और शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम हॉलीडे पर रिलीज हुई थी जिसने एक सप्ताह में 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। नाम में एक एन ज्यादा। इस फिल्म के टाइटल के शब्द किंग में एक एन 117 अंक शास्त्री के कहने पर किया गया था। सोनू सूद से पहले हर भजन मन। इस फिल्म में सोनू सूद ने लखन सिंह का किरदार निभाया है। सोनू से पहले इस रोल के लिए हर भजन मन को लेने का भी विचार किया गया था। अनीस के साथ दूसरी फिल्म। फिल्म वेलकम की सफलता के बाद अनीस बज्मी की अक्षय और कैटरीना के साथ ये दूसरी फिल्म थी और ये भी सुपरहिट रही। बब्बू मन ने रिलीज की एल्बम। पंजाबी सिंगर बब्बू मन ने 2009 में एक एल्बम रिलीज की थी जिसका नाम सिंघिज बेटर देन किंग था। एल्बम का ये टाइटल काफी कंट्रोवर्शियल था।